खबर गाजीपुर से है। पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर की कुशल निर्देशन दिनांक 21/6/2023 को क्षेत्राधिकारी नगर स्वात टीम सर्विलांस टीम व थाना जंगीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हीरोइन की तस्करी करने जा रहे 3 हीरोइन तस्कर चंद्रजीत सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष यादव निवासी ग्राम माहेपुर थाना करंडा गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष कैलाश यादव पुत्र स्वर्गीय कमला यादव निवासी ग्राम नशीरपुर थाना कर्मीदीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 55 वर्ष तथा जितेंद्र कुमार गुप्ता और मुंडा पुत्र स्वर्गीय रामकृपाल गुप्ता निवासी ग्राम उर्दू बाजार थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 56 वर्ष को नेशनल हाईवे 31 पर बेशो नदी पुलिया थाना जंगीपुर के पास से गिरफ्तार करते हुए अभियुक्तगढ़ के पास से कुल 1 किलो 80 ग्राम नाजायज हीरोइन मादक पदार्थ खरीद व बिक्री के 40,000 रूपए नगद तथा 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर में मुआवजा संख्या 106/2023 धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत अभियुक्त पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जारी की गई है, क्या है पूरा प्रकरण? आज हमारी थाना जंगीपुर पुलिस स्वाट सर्विलेंस ने क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसमें इनके द्वारा चेकिंग के दौरान जंगीपुर थाना क्षेत्र में बैसो नदी पुल के पास 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ लगभग 1 किलो 80 ग्राम हेरोइन पाउडर जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, इसके अलावा इसी कृत से इनके द्वारा कमाए गए 40,000 रुपये और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। जो बरामद ड्रग है इनके पास से जो बरामद किया गया है उसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। सर इस गोरख धंधे जैसा आप लोगों को विदित है, अभी 3 दिन पहले ही पकड़ा गया था, क्योंकि जितने भी मादक पदार्थ में लोग लगे हुए हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए गाजीपुर पुलिस जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है और इनसे भी कुछ लीड मिली है। मैंने उस समय भी बताया था कि कुछ लीड मिल रही हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें जेल भेजना है, इनसे भी कुछ लीड मिली है। हो सकता है कुछ और लोग इसमें धर दबोचे जाएं जो इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं। सर इसमें जो पकड़े गए, क्या इसमें कोई सरकारी कर्मचारी भी है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ये तीनों लोग जो है अपना अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक करीमुद्दीनपुर का है, एक कोतवाली का, एक करंडा का, एक नेक्सस है और टटोला जा रहा है। इसमें विभिन्न व्यवसाय में लगे लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं। जैसा होगा आपको आगे बताया जाएगा। थैंक यू।